हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ अपकमिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जो MWC 2024 में मेन हाईलाइट था। इसमें कटिंग एज स्मार्टफोन से लेकर ईयरफोन सब कुछ था, और आज हम आपको इनमें से टॉप 7 टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत जल्दी मार्केट कैप्चर करने वाले हैं, और इन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में जानकर आप भी पागल हो जाओगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप पढ़ने का शौकीन हो तो ये टेक्नोलॉजी के बारे में सुनकर आप बहुत खुश होने वाले हो। ये बेसिकली एक टैबलेट है जिसमें आपको एक 14 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है। ये काम करता है CPL DC डिमिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर, ताकि ये आपका स्ट्रेन को घटाकर आप आराम से अपने बुक को इस पर पढ़ सको। इसमें आपको MediaTek Dimensity 8020 का सपोर्ट देखने को मिलता है, और इसमें आपको 12GB रैम भी देखने को मिलता है, ताकि आप अपने जरूरत का बाकी काम भी इस पर कर सको। MWC 2024 में Motorola ने एक यूनिक टाइप ऑफ डिस्प्ले का प्रदर्शन किया था, जो पूरा ही एक रोलेबल डिस्प्ले है, और ऐसे स्मार्टफोन फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकता है। इस डिवाइस का नाम है RIZA, जिसमें आपको 5.1 इंचेस का एक डिस्प्ले देखने को मिलने वाला था, लेकिन फ्यूचर में इसे 6.5 इंचेस तक भी देखने को मिल सकता है, और ये एंड्रॉइड डिवाइस की तरह काम करने वाला है। Motorola फिलहाल के लिए इसका ड्यूरेबिलिटी ऊपर टेस्ट कर रहा है, और ऐसे स्मार्टफोन आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। सैमसंग ने MWC 2024 में एक रिंग का प्रदर्शन किया था, ताकि आप अपने हेल्थ एंड वेलनेस तरीके से ध्यान रख सके। इस स्मार्ट रिंग पे आप अपने डेली हेल्थ चेकअप के साथ साथ ढेर सारा फीचर्स देखने को मिलता है, ताकि आप अपने हार्ट रेट, मूवमेंट, ब्रीथिंग और स्लीप पैटर्न्स का पूरा ख्याल रख सको। और ये प्रोडक्ट अगले साल तक आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। MWC 2024 का सबसे यूनिक जो कॉन्सेप्ट था वो है लेनोवो का एक लैपटॉप को लेकर, जिसका डिस्प्ले पूरा ही ट्रांसपेरेंट है। इस डिस्प्ले में आपको पता चलता है कि आपको फ्यूचर में कैसा कैसा डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। इस लैपटॉप में आपको 17.3 इंचेस का एक माइक्रो LED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसका 55% ट्रांसपेरेंट है। HMD ग्लोबल ने मेटल के साथ कोलाबरेशन किया, जिसमें आपको जल्दी बारबी थीम फ्लिप फोन देखने को मिल सकता है, और ये आपको डिजिटल एक्सपीरियंस के साथ साथ रेट्रो स्टाइल भी देगा, और ये आपको समर में ही देखने को मिल जाएगा। नोबिया ने अपना एक बजट फ्रेंडली फोन मार्केट में लाने वाला है, जिसमें आपको फोल्डेबल डिजाइन के साथ साथ कुछ फीचर्स भी प्रोवाइड करने वाला है, जिसमें आपको 6.9 इंचेस का एक डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, और इसमें आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 और 6GB 128GB स्टोरेज भी मिल सकता है, जो आपको डिसेंट परफॉर्मेंस के साथ साथ मल्टीटास्किंग काम करने में भी हेल्प करेगा। नोबिया ने शोकेस किया था एक कटिंग एज टैबलेट को, जिसका नाम है द नोबिया पैड 3, जो आपको 3D एक्सपीरियंस के साथ साथ स्मूथ परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करेगा, और ये करेगा वो भी किसी भी ग्लास के बिना ही, जिसमें आपको 2.5K का एक डिस्प्ले के साथ साथ 95% बेजल डिस्प्ले भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग टॉपिक्स को लेकर।